एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक मिनट के अंदर वड़ा पाव की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आलू, आलू को कर लेते हैं बॉईल। दूसरी तरफ हम लेंगे बेसन, बेसन में नमक, अजवाइन और हल्दी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे हरे धनिया की चटनी बनाने की। उसके लिए लिया है हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, नमक और लहसुन, इसकी एक चटनी तैयार कर लेते हैं। इसी में हमने हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम पैन में तेल, जीरा, सरसों के दाने और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट और करी पत्ता डालेंगे, नमक, हल्दी और आलू और थोड़ा सा धनिया। साथ में हम तेल में थोड़ा सा बेसन डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें ही हमने लहसुन और हरी मिर्ची फ्राई कर लिया है। इसकी हम बनाएंगे गन पाउडर, नमक और लाल मिर्ची डालकर। ये हमारा गन पाउडर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम कर लेते हैं वड़े बनाने की तैयारी। तो जो आलू का मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ था उसको एक तरह से गोल गोल शेप दे देंगे और बेसन के घोल में डालकर हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे और ये हमारे वड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। अब हम करेंगे असेंबल। उसके लिए हमें चाहिए पाव। तो पाव को हम करते हैं पहले थोड़ा सा सेक लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे सबसे पहले हरी चटनी। हरी चटनी लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज कलर का जो हमने ड्राई पाउडर मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो। उसके बाद हम लगाएंगे वड़ा और वड़ा लगाने के बाद हम इस पर रखेंगे हरी मिर्ची और फिर से गन पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। और इस तरह से हमारा वड़ा पाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।